नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट और मेरे साथ सत्य भाई हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं फिलहाल आंबा कछार ग्राम पंचायत के पास, जो कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के फरसाबहार ब्लॉक के अंतर्गत आता है। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे भाई हमारे दोस्त राकेश पैंकरा जी से मिलने के लिए। वो इस ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और शायद वो जशपुर जिला के सबसे कम उम्र के सरपंच हैं। मैं कन्फर्म करके मैं बताऊँगा आप लोगों को। अभी डेली ब्लॉग्स हमारे चल रहे हैं तो मैं सोचा कि एक थोड़ा अलग टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। हमारे जो राकेश भाई हैं कभी ज़्यादा उम्र के हो जाएंगे, बार बार जीते मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन बाद में कभी है ना वो याद करें, उनके बच्चे देखें, पापा सरपंच थे कितने छोटे उम्र में, ये सब तो एक इंटरेस्टिंग होगा ये ब्लॉग। उनसे मिलते हैं, कैसा होगा मिलना उनसे आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। इधर ये पुल है, पुल के बाद आमा कछर गाँव लग जाता है। मिले दोस्तों, ये हैं इस आंबा कछार ग्राम पंचायत के युवा सरपंच जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ये हमारे इस जशपुर जिला के सबसे कम उम्र के सरपंच हैं और अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत भवन के पास में ही इनसे हमारी मुलाकात हो गई। चावल वितरण कर रहे थे, पीडीएस भी खुद चलाते हैं, गवर्नमेंट का एक स्कीम होता है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो कार्डधारी हैं उनको मुफ्त में चावल, कार्ड के हिसाब से होता है, मुफ्त में चावल या फिर 1 रुपये किलो चावल, 5 रुपये किलो चना जिसको 2 किलो दिया जाता है और 1 किलो शक्कर दिया जाता है 27 रुपये में और नमक मुफ्त दिया जाता है, तो वो ये खुद चलाते हैं। वैसे पीडीएस को कोई भी ले सकता है लेकिन ये इस ग्राम पंचायत के सरपंच भी ये खुद हैं और पीडीएस भी खुद चलाते हैं। बहुत जिम्मेदारी है इनके ऊपर में इस उम्र में। तो अभी धीरे धीरे मैं इनसे जानूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा कि इतने कम उम्र में इनको कैसे ख्याल आया और कैसे इंटरेस्ट जागा कि ये सरपंच के लिए खड़े हों, है ना, किसने प्रेरित किया। क्योंकि इससे पहले काफी स्ट्रगल करते थे, ड्राइवरी का भी काम करते थे आप, है ना, तो अभी इस गांव के मुखिया हैं, इनका एक अलग लेवल का इज्जत है यहाँ पे, है ना दोस्तों। तो कैसे आप सोचे इसके बारे में? ये क्या है कि मेरे पापा पहले भी रहा करते थे। आपका पापा सरपंच? हाँ। अच्छा, तो मेरे पापा बोले कि मेरे जाने के बाद आप ही गांव को संभालना, गांव में बहुत गरीबी स्थिति है, गरीबी को दूर करना ही करते। तो वही सोच लेके मैंने अपना नौकरी वोकरी का पढ़ाई नहीं किया था, यही। अच्छा, पढ़ाई में कितना तक की है? मैं 12वीं तक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो मैं यही गरीब को दूर करूंगा, गरीबी दूर करूंगा करके, और जितने भी गरीब स्थिति में जो लड़के रहते हैं, बच्चे लोग जो पढ़ने उठने के लिए सक्षम नहीं है, उनको मैं कुछ राहत अपना कर सकूं और उनको आगे बढ़ा सकूं करके। और इनको शायद प्रमाण पत्र भी मिला था दोस्तों, कम उम्र के सरपंच हैं करके। जी जी हाँ। है ना, इनका घर पास में ही है, मैं इनका घर भी आप लोगों को घुमाऊंगा। और ये कंवर जनजाति में आते हैं दोस्तों, पैंकरा है, और इस गाँव की लगभग 90% जो आबादी है वो पैंकरा ही है। इन भैया जी से मिले दोस्तों, का नाम है भैया? तोर शिवशंकर यादव। शिवशंकर यादव, अच्छा, ये सरपंच जी के साथ में रहते हैं, उनका काम संभालते हैं, संभालने में मदद करते हैं। ये देखिए, ये अमृत नमक मिलता है दोस्तों गवर्नमेंट तरफ से, और इधर देखिए चावल रखा हुआ है। अच्छा, छोटा पड़ रहा है क्या? ये अभी गवर्नमेंट तरफ से एक मशीन आया हुआ है दोस्तों, सारा डाटा एंट्री इसमें होता है। पहले मोबाइल में ही ये काम होता था एक एप्लीकेशन के द्वारा, तो अब इसमें ये सुविधा हो गया कि फिंगरप्रिंट वगैरह सारा कुछ, फोटो लेना सब इसमें हो जाता है। यहाँ पर कहीं पर कैमरा भी लगा हुआ है इधर दोस्तों। इधर चावल मिलने का स्कीम कैसा है, जैसे कि परिवार में 2 लोग हैं तो उनको 7-7 14 किलो मिलेगा, 1 जन है तो 7 किलो, बीपीएल कार्ड हो तो उसमें 35 किलो मिलते हैं, उसमें 1 हो या फिर 5 या 10 उस परिवार में। प्राथमिकता में 4 में 42 और 6 में 55। अच्छा अच्छा, 90 किलो तक चलता है। ठीक है ठीक। ये जो सरपंच के पद में है दोस्तों, 2 साल हो गए हैं, मतलब अभी तो 25 साल के हैं, जब सरपंच बने तो 23 साल के थे। 23 साल की उम्र में सरपंच बने। इधर से होकर हम लोग आए हुए हैं दोस्तों, इधर से पहाड़ चढ़ के उस पार जाएंगे तो पंडरी पानी फरसाबहार पड़ता है, इधर कोतबा तरफ से हम लोग आए हुए हैं, पास में ही है कोतबा जो नगर पंचायत है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान को अभी बंद कर रहे हैं, टाइम हो गया है, लगभग 4:30 बज रहे होंगे। ये राकेश भाई जी का बुलेट, ये भैया जी संध्या के साथ जाएंगे और मैं सरपंच जी के साथ में। राकेश भाई जी के साथ में, सत्या भाई के साथ तो हमेशा रहना होता है। चलें सर, चलिए। ये हमारे पंच साहब हैं। अच्छा, नमस्कार। का 2 घर है लेकिन ये लोग यहाँ रहते हैं, ये पूरा पैंकरा बस्ती है दोस्तों, ये आपका ही घर बन रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा। कालू,
चाय मिलकी बैठे दे तो चीना थे जे चले सत्य में बैठिए बिहार का तैयारी चलता है की बेचेक बार बेचे भर करता है और राकेश ला बिया कर लीजिए। पत्थल गांव ब्लॉक के सीओ साहब के खुद दीदी हैं दोस्तों ये। का नाम है अजीत तोरगे? फूलो भाई फेंकरा। शादी कर ले बाबू। हाँ मैं आऊंगा गुड़िया ना, अभी तो स्कूल बंद है तो यही सब काम कर रही है। क्या नाम है गुड़िया आपका? कुमारी मालती फेंकरा। अच्छा इधर दिल से ला दोना मन कहाँ कहाँ रखे हैं जी? अच्छा इधर देखिए दोना सिला गया है। अभी तो इन लोग बेचने के पर्पज से ही बना रहे हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन गांव घर में काम पड़ता है तो खुद अपना ही बनाते हैं। हाँ अलग से नहीं खरीदते हैं, है ना? जंगल पहाड़ के किनारे ये गांव है तो अलग से खरीदने की जरूरत तो नहीं पड़ती है दोस्तों। ठीक है न? ये बैठे हुए हैं यादव जी, सत्या भाई, सरपंच जी और कालू। हेलो कालिया। बस थोड़ी देर बैठेंगे हम लोग, चाय पी के जाएंगे यहाँ से। और अभी राकेश भाई जी की बड़े पापा, उनके चाचा सब लोग आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजमल है। अच्छा अच्छा भाई है। यहाँ बस 3-4 घर में 17 भाई है। और आपके पापा कितना साल सरपंच थे? कम से कम 2-5 वर्षीय, मतलब 10 साल। उप सरपंच कौन है यहाँ पे? अच्छा वो भी मैं जाते हुए दिखाऊंगा। इस महीने बाजार में बैठा वो मकछा। अच्छा अभी तक नहीं बैठता था यहाँ? हाँ, नहीं बैठता था। अच्छा राकेश जी बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे मीटिंग होगा, फिर डिसाइड करेंगे फिर कब बाजार कौन सा दिन में रखना है, तो उस दिन से फिर बाजार लगने लगेगा, सोमवार या मंगलवार। लेकिन अभी तो थोड़ा रुक जाइए क्योंकि कोविड अभी बढ़ रहा है लगातार, तो उसके बाद अभी सीसी रोड का भी काम कहाँ शुरू करने वाले हैं? जंगल ऊपर में। अच्छा वहाँ पहले से कुछ काम करवा चुके हैं ना? हाँ एक सीसी रोड बन चुका। लगातार अपने गांव को प्रगति की राह पे देखना चाहते हैं। हाँ। लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। हाँ। और इनका कुछ सपना और था, कुछ और करना था, लेकिन गांव का सोच के फिर उन्होंने पढ़ाई को छोड़ा। पढ़ाई तो ऐसे प्राइवेट में आप कर सकते हैं। हाँ। हाँ। पढ़ाई तो खैर सबसे जरूरी है, मैं भी अभी कर ही रहा हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि ना पढ़ूं, लेकिन अभी देखो बाबू आज हमारे जितना भी इस क्षेत्र में विधायक बने, सांसद बने, वो लोग बूढ़े हो गए, वो लोग चलाने का शक्ति नहीं है। तो आज इस डेटा को हमने विचार किया है कि तुम आगे बढ़ना है तो सबसे काम करो। उनका ज्यादा उम्र नहीं हो पाया था, मतलब ना पापा का बीमार नहीं हुआ था। हाँ, ब्रेन हेमरेज हो गए थे। मतलब 62 साल का उम्र। अच्छा अच्छा। एक महीना 9 दिन से हमने रायपुर बुला दिया हॉस्पिटल। अच्छा उम्र ये दादा है दोस्तों राकेश भाई जी के। हाँ ये नाना है। दादा की नाना? दादा इनके पास 2 डॉगी और है। कौन सा ब्रीड है? वो जो वो है लेब्राडोर। लेब्राडोर है ये? लेब्राडोर डबरमैन। 2 घर 15 हजार का एक छोटा। 2 30 डॉगी पालने की इतना शौक लेकिन भयंकर है बाबू। चाचा वो वाला ज्यादा खतरा है, एकदम छोटे छोटे, इतना बड़ा बड़ा है। लेकिन मत पूछिए, आपको जाने देंगे लेकिन जब तक परिचय नहीं तब तक नहीं घूम सकोगे। राकेश भाई जी का घर तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। चाय बनते तक हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो मोहल्ला है राकेश भाई जी का, जहाँ पर घर है, तो थोड़ा घूम लेते हैं। हमारे साथ ये बड़े पापा जी भी जाएंगे और दादाजी तो काफी बुजुर्ग हो गए हैं तो उनको नहीं लेके जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं अभी। आशीर्वाद मिले। तो दोस्तों गवर्नमेंट का स्कीम ऐसा है, जैसे कि दादी जी हैं इनको वृद्धा पेंशन मिलता है और सबको वृद्धा पेंशन मिलता है 60 साल से ऊपर जो हैं, लेकिन उनको चावल नहीं मिलता। तो राकेश भाई क्या करते हैं कि वो अपने साइड से ही अपने कोटा से 5 किलो चावल खुद देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनका उम्र लगभग मतलब 100 से कुछ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। चौथी पढ़े हुए लिखने पढ़ने भी जानते हैं हिंदी सब। अच्छा छोटे अक्षर को भी जी लो। मेरे दादा जैसे हैं। मेरे दादा लोकनाथ आपट थे। माँ के द्वारा माँ आशीर्वाद दे दे। ठीक है जीवन सुखी के साथ चलते रहे। ठीक है सरपंच लाल सिंह कटिक। इनको तो हमें अब बार बार जीती सरपंच साहब हमारे। और यह काकर घर है तुम्हारा घर है? थोड़ा अंदर चलते हैं इनके घर के। डीजे का पूरा सेटअप रखे हुए हैं लोग, बुकिंग देते हैं। इधर जनरेटर है और ये पत्ता वगैरह सील रहे हैं, वो सब तो रखा है जो तो जनरेटर। ये खुद तुम्हारे मतलब मैनेज करे की? खास खास है। ठीक है ये बच्चे पार्टी आ गए हम लोग के भतीजी लोग। हेलो करो सब लोग। हाय करो।
कल के लिए बच्चे लोग बहुत खुश हैं दोस्तों, कल छेर-छेरता है, छेर-छेरता ये छेर-छेरा पर्व क्या होता है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यही से देख लीजिए, मैं घर के अंदर नहीं घुसकर दिखाऊंगा। यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ के ज्यादातर ग्रामीण इलाके हैं दोस्तों, वो तो कृषि के ऊपर ही आधारित है, उनका जो रहन सहन जीवन यापन करने जो इनकम का साधन है वो कृषि ही होता है। हर गांव की तरह ये गांव भी ऐसा है, इधर रहन लगाए हुए हैं, धान की कटाई हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ लोग और हमारे खुद सरपंच साहब लोग भी कृषि किए हुए हैं धान की। यह काका घर है, ये मोर मम्मी के घर है, मोर मम्मी भी इसके है ना। अच्छा तुम्हार बहुत बार है लेकिन अलग अलग जगह है घर है ना, दो तीन गोटा है, तीन ठीक है। नमस्ते डॉक्टर साहब है हमारे। अच्छा देना मेडिकल, देना मेडिकल वाला, ठीक है ठीक है। और इधर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, नमस्कार का। ये किसका घर है बोले? बड़े पापा का है, बेटा है। गच मिर्चा चुट लेते बाय चुटने था हम काला बोल रहे हैं करो 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 बाबू सब बगान बगान चलो घूम लेते हैं। राकेश भाई जी के बड़े पापा चाचा जितने भी लोग भी हैं सब लोग इसी मोहल्ले में ही रहते हैं, आसपास में ही हैं। हमन भी लगाए हैं प्याज को, ये प्याज लगाए हुए हैं, उधर सरसों है, आलू है। गांव का रहन सहन, गांव का लाइफ बहुत मजेदार होता है दोस्तों, बहुत शांति होता है। एक बार उधर चलते हैं, कुआं भी शायद उधर हम लोग मुर्गा रखे थे, बेच दिए कड़कनाथ था डेढ़। अच्छा सबको बेच दिए, ठीक। ये कुआं है, ये देखिए दोस्तों समाप्त। मस्त जगह है गा, लेकिन है। अरे है, अरे वहाँ और तो गोभी तो खाएक लाइक हो इसने भे सब हो इसने और सब कितना खाप ठीक एक नंबर। राकेश भाई बता रहे हैं कि जो बड़े पापा जी हैं वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं। हम लोग जशपुर जिला के हैं, छत्तीसगढ़ के खूबसूरत जिला, तो जशपुरिया गाना इनको गाना ज्यादा पसंद है और तो सुनाएंगे, मैं आग्रह कर रहा हूँ इनसे। अरे है रे दे हमर फुलवारी, ओहो कतेक सुंदर दिखाते कि यारी हमर फुलवारी। हरे हरे रे दे हमर फुलवारी, कतेक सुगर दिखाते कियारी मना, ओ तो कियारी हमर फुलवारी। जमाधान साग सब्जी, जमाधान साग सब्जी, तोरी तोरी हमना तोरी तोरी आई हमर बागानी। हमर कतेक सुगर रे फुलवारी, हमर कतेक सुगर रे फुलवारी, कतेक सुगर आहाय ओ देख कतेक सुगर बनी से कियारी। जय हिंद, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, मैं मेरे बगान में आ गए, आप लोग बहुत धन्यवाद मिले, आप लोग रहेंगे आते रहेंगे, आप लोगों को नाम बार बार याद करते रहेंगे। आज हमारे इस जगह कहाँ ने कहाँ तक फैलेगा फैलेगा। बड़े पापा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ये जो गाना गए बहुत ही सूट किया, मतलब मैच किया ना, ये फुलवारी जैसा यहाँ पे और इनके गाने के लाइन में भी वो था। ये मेरा बगान है, हाँ। ये बगान में इतना सुंदर फल फूल मिलता है जिसमें से आप लोग हम लोग इसको तोड़ ताड़ के ले जाते हैं और गाँव गली बस्ती बस्ती में हम घुमाते हैं। मेरा धनिया पत्ता रे, मेरा धनिया पत्ता गा, बाजार बाजार में बिके मेरा धनिया पत्ता रे। मेरा धनिया पत्ता गा, मेरा धनिया पत्ता रे, बाजार बाजार में बिके मेरा धनिया पत्ता गा। ये धनिया के कटे है जानस गा, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया है। ये धनिया पत्ता के एक बार खा के देखबे तो ना खो स्वाद स्वाद लागी आई स्वादिष्ट हो गे रे, स्वादिष्ट हो गे रे, मिर्चा संगवा मिला के स्वादिष्ट हो गे, स्वादिष्ट हो गे रे, ओला मीठा हो गे रे, धनिया पान मिर्चा संग पीस के खावेगा, लहर पीस के खावे रे, धनिया पान ला पताल भाटा संगे पीस के खावेगा।
धन्यवाद। अपने जमाने के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं लगता है, नाटक वाटक रंगमंच कुछ किए। प्रचार। आज का दिन बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों, हम लोग राकेश भाई जी से मिलने के लिए आए और उम्मीद नहीं था कि आज का वीडियो ऐसा बनेगा, है ना। बस हम लोग मिलेंगे, ऐसे बातचीत करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे ताकि हमेशा के लिए रह जाए, है ना। 23 साल की उम्र में ये सरपंच बने, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, सरपंच बनने के बाद में आगे तक राज्य भी चलाएंगे। हाँ ऐसा होगा, राज्य में वीडियो बनाने आया रहेगा। आप तो 23 साल का उम्र है, कल के दिन 25, 26, 27, 28, 30 के बाद यहाँ से हटा देंगे और राज गद्दी में बैठाएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बनी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और हम लोगों को कैसा लग रहा है मैं बता नहीं सकता, बहुत ही मजा आ रहा है। किसी जगह पे जाते हैं जितना आपका एक्सपेक्टेशन होता है उससे कहीं ज्यादा वो एनवायरमेंट आपको मिलता है, तो निश्चित ही बहुत ही खुशी मिलती है। तो वैसा मेरे साथ हो रहा है और आप लोग भी डेली ब्लॉग अभी देख रहे थे और आज एक खास प्रकार का ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं। राकेश भाई जी बहुत अच्छे हैं, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ ये बहुत आगे बढ़े। कालू सलामी ठोकता है, अच्छा गाना गाता है। यहाँ पर बच्चे लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, देखिए खुद घर में नेट लगाए हुए हैं यहाँ पे इनके। ले धन्यवाद गुड़िया, चाय आ रहे हैं कि नहीं? नहीं पियो चाय तो मन जीरो। अच्छा और दादी जी चाय पीते पीते दादी की शुगर वाले। हाँ लानो 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 भूलिम लिम पत्ता करा दो तुम बगरा। अच्छा मतलब एक बार बाबू ये बहुत बड़ा दवाई है। कहाँ ये एक का है छतियान है छतियान का दवाई काम दे रहे हैं। एकर छिलका कितने हैं हर दिन 2 चम्मच ई दर्द दुखान पूरा साफ हो जाए। अच्छा हाँ ये ठीक है। हाँ आप लोग आ गए तो हम लोगों को, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जब आ गए दिमाग में आ गया कि हम लोग कैसे काम करेंगे किसान विकास। ये राकेश भाई की मम्मी जी हैं जो कि अभी हमारे लिए बिस्किट लेके आए हैं, हम लोग खा लेते हैं कुछ थोड़ा। बैठो का तो मुनाल संग्राव ने। बड़े पापा जी हैं वो तो बहुत शौकीन हैं और बहुत खुश हैं, वो आज वीडियो बना रहे हैं तो, और बोल रहे हैं कि जो वो नांगर बना रहे हैं जो हल चलाते हैं ना, जो देसी होता है ट्रैक्टर में लगाने वाला नहीं लकड़ी का होता है, वो बनाए हुए हैं तो वो दिखाएंगे वो। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है। 3-4 गोट बेच चल खोलू की छत्तीसगढ़ के है ये किसान लोग का है। मैं हमेशा एक दिन में एक नांगर दो नांगर में बना के देता हूँ। मैं बड़े बेचते हैं तो कितना पैसा मिलता है इसको? मैं 1200-1500-2500 तक में बेचता हूँ। अच्छा गाड़ी से ज्वार से सारा चीज मतलब मिला के 2500 और अपने लकड़ी है तो इसमें से जो मैं 1200 लेता ले, 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 हूँ। हाँ। सारा चीज है पास, भाई बड़े के पास सामान रहेगा तो कैसे बड़े कर रहेगा। बड़े का काम भी बड़े का काम है पलम्बर काम करो। हाँ तो सारा चीज ले फिर गायक काम करो गायक काम एक नंबर। मेरा सारा चीज का व्यवस्था है मेरे पास। मैं मिस्त्री तो नाम लेकर बता दी आई तो नाम लेकर मेरा नाम चरण सागर अम्मा कछार। बसरी की नहीं देखे बसरी बसरी। ये देखिए दोस्तों कुछ फल है, इसको मतलब घर का जो गोठान होता है उसमें रखना जरूरी है, जरूरी कुछ शुभ माना जाता है। अब क्या शुभ माना जाता है ये तो मुझे नहीं पता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ अभी तो पूरा छत्तीसगढ़िया किसान का लुक लेके आई से बड़ा नेगा। ठीक है ये सर बस अब आते हूँ बेटी ठंड। साजन 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 बस अभी सात्र
बहुत ताली मार दो कटी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किसान हल कर साथ में नेगा। हल कर साथ में, राइट। दोस्तों एक और बात बताइए मुझे, आप लोग जो देख रहे हैं उनमें से कितने मेरे दोस्त जो हैं जो कंवर जनजाति में आते हैं। चलो ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अभी निकल गए हैं और जाएंगे। वीडियो में एंड कहाँ पर करूँगा मैं बताऊँगा। ये जो इनके कार्यकाल जब शुरू हुआ सरपंच का, तो इन्होंने जो बनाया वहाँ पे पुल के पास में नहाने के लिए है ना, तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा और वहाँ पे वीडियो एंड करेंगे। ए दादी, ठीक है, जाता हूँ, नमस्कार। जय भोलेनाथ। ये दोस्तों ये है आंबा कछार पुल, इसको मरम्मत किया गया था लेकिन फिर वैसा हो गया। इधर बना हुआ है नहाने के लिए, और ये राकेश भाई ने जो अपने कार्यकाल के शुरुआत होने का प्रथम कार्य किया, ये पचरी बनाने का काम ही किया। पूरे गांव के लोग जिनके पास खुद का व्यवस्था है या फिर जो बाहर नहाना पसंद नहीं करते उन लोग का तो नहीं बोल सकता, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे नहाते हैं। और जो शिवरात्रि होता है वो भी यहाँ होता है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर आप लोगों ने देखा होगा शिव भगवान जी का। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था यहाँ पर एंड करने का समय हो चुका है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ के सरपंच साहब जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी हमेशा आते रहे, कुछ प्रोग्राम हो या फिर 15 अगस्त, अभी अभी तो कोरोना काल में नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम हो आपको मैं जरूर इन्वाइट करूंगा। जी धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और यही प्यार बनाए रखें, अपना ख्याल रखें। जब मिलता हूँ, जय जोहर।